गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12th में अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। विशोषण किसे कहते हैं? सामान्यतः विशोषण की प्रक्रिया ताप और दाब द्वारा किस प्रकार प्रभावित होती है? देखो, अधिशोष्य पदार्थ का अधिशोषण की प्रक्रिया से हटना, अधिशोष्य बताया था, अधिशोष्य क्या होता है और अधिशोषक क्या होता है ये बताया था। तो अधिशोष्य पदार्थ का अधिशोषक की सतह से हटना विशोषण कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ की सतह से अधिशोषित गैस को हटाने के लिए ताप बढ़ाया जाता है और दाब कम किया जाता है। अतः ताप बढ़ाने से और दाब का कम करने से विशोषण की दर बढ़ जाती है। देखो, मान लो ये अधिशोषण है, यहाँ पर आपका अधिशोषित पदार्थ है। इस अधिशोषित पदार्थ को, जो अधिशोषित पदार्थ है, किससे? अधिशोषक से। जो अलग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? विशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विशोषण कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, अधिशोषण और अवशोषण में परिभाषा द्वारा विभेद कीजिए। मैंने अधिशोषण और अवशोषण दोनों बताया था। अधिशोषण के अधिशोषक की सतह पर असंतुलित आंतरिक आकर्षण के कारण अधिशोषक पदार्थ ठोस सतह पर आकर्षित होता है। जो आपका ये अधिशोष्य है, ये आपका अधिशोषक पदार्थ पर हमेशा क्या होता है? एक आकर्षण बल द्वारा क्या होता है? ये आपका आकर्षित रहता है तथा इसकी सांद्रता शेष तुल की तुलना में सतह पर बढ़ जाती है। जो आपका यहाँ पर कंसंट्रेशन है उसकी तुलना में यहाँ पर जो आपकी इसकी सांद्रता है वो आपकी बढ़ जाती है। अवशोषण में अवशोषित होने वाला पदार्थ अवशोषक में अंदर की ओर समान रूप से वितरित हो जाता है। आपको पता है अवशोषण क्या होता है? कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के संपूर्ण क्षेत्रफल में क्या हो जाए, पहुंच जाए, वो क्या कहलाता है? आपका अवशोषण कहलाता है। यही कह रहा है वो, क्या कह रहा है? अवशोषण में अवशोषित होने वाला पदार्थ अवशोषण में अंदर की ओर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके मन में आता है, ध्यान इंपॉर्टेंट। अधिशोषक का विशिष्ट क्षेत्रफल किसे कहते हैं? 1 ग्राम। 1 ग्राम अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल को अधिशोषक का विशिष्ट क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद करना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू।